दोस्त हमारे पास एक होंडा एक्टिवा का इंजन है, इंजन भी खोल रखा है दोस्त, इसका इंजन मांग के दिखाने वाली हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और मैं आई पिस्टन वगैरह मैंने बांध दिया है, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा किस तरह से होगा। तो सबसे पहले ये मेन चैम्बर है, और हमने दोस्त क्रैंक भी पूरी कम्प्लीट करवाई है, इसकी बैरिंग वेरिंग सब ख़राब हो रही थी, तो दोनों पूरी करवाई है। और सब फिट करके दिखाने वाला हूँ मैं किस तरीके से, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो इस तरफ है, अगर आपके पास पैकिंग हो तो पैकिंग लगा लें, नहीं तो फिर आप बॉन्ड लगाएं। बॉन्ड लगा के मैं इसको पहले आपको दिखाता हूँ किस तरह से लगेगा। तो जैसे मैंने क्रैंक भेज दी है, ये देखिए टाइमिंग चेंज भी दोस्तों इसकी नई लग चुकी है, देखिए। उसके बाद हम इस चैम्बर को फिट करते हैं, इस चैम्बर भी मैंने बिल्कुल एकदम क्लीन कर लिया है, उसके बाद हम इस चैम्बर को फिट करते हैं। दोस्तों जैसा कि ये फिट हो चुका है, हम इसको फिट करते हैं, नट बोल्ट टाइट करते हैं सारे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसके बाद हम ये लगाएंगे यहाँ की, क्रैंक चलेगी तो ये चलेगा और यहाँ से ऑयल आगे भेजेगा। ये मैंने इंजन उल्टा कर रखा है, मैं आपको इसको दिखाऊँगा, उसके बाद ये लगा लें, इसकी जो प्लेट है यहाँ पे एक नट लगेगा इस तरफ, बाकी मैं नट लगा देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, नट जो है हमने सामने टाइट करिएगा। दोस्तों इसके अंदर मेन स्टैंड लगा लेता हूँ, बाद हम इसका मैग्नेट फिट करने जा रहे हैं। हमने मेन स्टैंड लगा लिया है और मैग्नेट फिट करते हैं इसका।
पेड़ लग चुके हैं दोस्तों। उसके बाद उसकी काटन आएंगे, फिर उससे सिर्फ काटा लगे छोटी सी यहाँ लगेगा इसके अंदर कुछ देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, उसे पनच फिट कर लेते हैं। ये दोस्तों उसके लिए ये लगेगा, और ये लगने के बाद दोस्तों यहाँ हल्का हल्का ब्रीच लगा लें ताकि जो है फ्री चल सके ये, क्योंकि ये वाइब्रेटर है और इससे जो हैंडल है वो वाइब्रेटिंग की प्रॉब्लम आती है, तो हल्का हल्का ब्रीच लगा लेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। हमने ब्रीच लगा लिया है, तो उसके बाद ये जल्दी देख रहे हैं। इसके बाद ये लगेगा इस तरीके से, इस तरीके से लगा लें और ये तो इस तरीके से बैठेगा, इस तरीके से, इस तरीके से लग के उसके बाद दोस्तों इसका फैन आएगा। फैन लगाने से पहले दोस्तों इसे क्लच बेल्ट लगा लें, क्लच बेल्ट लगाने से पहले ये हमने ये क्लच है ये इसकी पुल्ली हमने इसे पूरा रेगमल मार लिया, अच्छे तरीके से साफ कर लिया है, और इसके बाद हम इसमें लगा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों ये हम इसका पंखा लगा लेते हैं। पंखे के बाद दोस्तों एक कटिंग वॉशर होगी इस तरीके की, ये हम लगाएंगे, एक वॉशर फिट आएगा। दोस्तों इसमें दोस्तों क्या करना है, ये एक लोहे का आता है ये, और इस तरीके से हम इसमें लगा लेंगे, और इसकी वॉशर है और ये इसका नट, ये हम इसको टाइट कर लेंगे, और हम दोनों में टाइट कर लेंगे। फिर दोस्तों से क्लच का ढक्कन लगा लेंगे, जो कि 8 नंबर के बोल्ट से बड़ी आसानी से टाइट हो जाएगा। तो मैं ये दोनों टाइट करके और क्लच का कवर लगा के मैं आपको फिर बता दूँ। अभी दोस्तों सेल्फ जरूर लगा लें ध्यान से, सेल्फ यहाँ लगेगा, सेल्फ लगाने का दोस्तों यहाँ एक कटोरी लगेगी मंदिर, उसको मंदिर कहते हैं, इस तरीके से लगेगा। और उसके बाद क्लच फिट करके मैं आपको आगे दिखाता हूँ हेड सिलेंडर फिट करके, ठीक है, बने रहिए। दोस्तों कवर लगाने से पहले इसको खोल के ये जरूर लगा लें, इसकी किट जो है फ्री कर लें। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया हुआ है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लें किस तरीके से जो है इसको साफ़ करते हैं और इसमें ग्रीस वगैरह लगाते हैं, तो मैं आगे दिखाता हूँ उसको। सर दोस्तों जैसा कि हमने ये फिट कर लिया है पूरा, इस साइड में क्लच इस साइड का मैंने फिट कर लिया, रेड क्रैंक जो है टॉप पर ले लिया, ये आप देख रहे हैं निशान आपका,
ये कटिंग का निशान, ये पिस्टन पे भी एक निशान है SI कट का, ये देखिए आपको नज़र ना आ रहा हो तो, ये देखिए ये कटिंग का निशान है। और दोस्तों इसके बाद आपको ये जो दिखते ये है पैकिंग, ये लगाने और दो डामर होंगी आमने सामने यहाँ, आप वो लगा लें। उसके बाद ये टाइमिंग चेन भी निकाल लें इसमें से, आपको पिस्टन की रिंग का आपको दिखाई दिया है किस तरह से पिस्टन की रिंग फिट होंगी, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो जैसा कि मैंने ये हेड फिट कर लिया है वो सिलेंडर, तो इसको मैं लगाता हूँ और इन जो दोस्तों ऊपर रहेगा जैसा कि मैंने वीडियो में दिखा दिया, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा, वीडियो देख के आप अपनी रिंग बैठा सकते हैं। इसको डाल दें, लॉक लगा लेते हैं। ये हमने पिस्टन का जो पिन है वो लगा लिया, उसका लॉक लगा लेते हैं। अभी मैंने पिस्टन का लॉक भी लगा लिया है और उसके बाद हम इसको टाइमिंग चेंज जो है इसके थ्रू निकाल लेते हैं। दोस्तों पिस्टन जो है टॉप पे है, टॉप मतलब बिल्कुल ऊपर, हमारा पिस्टन टॉप पे है। अब उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको ये वाली ये लगेगी, किस तरह लगेगी इस तरह डालनी है, और ये आपका कुंडे में या फंस जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये आपकी लोहे की पैकिंग लगेगी और उसमें बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद हमारी ये पैकिंग पे बॉन्ड मैंने लगा ली है और कुछ इस तरीके से टाइमिंग चेन से निकाल दिया, टाइमिंग चेन निकालने के बाद इस तरीके से फिट करके दिखा दिया है। आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, तो उसके बाद ये पिस्टन हम इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों उसके बाद ये दोनों टाप को देखेंगे, तो दोनों टाप को यहाँ लगाने इस तरीके से जाएंगे और ये दोनों टाइप बनेंगे। जोर ना लगाए क्योंकि दोस्तों टूट सकते हैं और टूट जाएंगे तो फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों चार वाशर यहाँ चारों में लगेंगी और ये चार नट, थोड़ा
टाइमिंग का बताने जा रहा हूँ, जैसा कि पिस्टन आपका टॉप पे, मैंने आपको दिखा दिया किस तरह टॉप पे करना है, इससे आपको यहाँ निशान होता है मैगनेट का, यहाँ निशान होता है पिस्टन, आपको टॉप पे देख लेना है। पिस्टन टॉप देखने के बाद दोस्तों एक आपको ये टाइमिंग लगानी है, इसकी टाइमिंग कैसे लगेगी मैं आपको बता सकता, पहले इस तरीके से आपको अंदर करना है, उससे पहले ये नट खोल के आप इसको टाइट करिएगा तो वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने के बाद इस तरीके से इसकी टाइमिंग आई है, देखिए। तो जैसा कि दोस्तों हमने साइलेंसर भी लगा लिया है और ऊपर इधर से आपको मैंने टाइमिंग दिखा दी है, टॉप पे इस तरफ से करनी है और टैप की सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। टैप की सेटिंग जो है दोस्तों ये वाली प्ले रहेगी, अंदर बाहर की प्ले नहीं रहेगी, ये जो ऐसी ऐसी वाली प्ले है ऊपर तक खींचने वाली ये नहीं रहेगी, साइड की प्ले रहेगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह टैपिट की सेटिंग होगी और ये हमारा पूरा इंजन बन चुका है। और दोस्तों यहाँ तक वीडियो थी हमारी, वीडियो देखने के धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ नॉलेज लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।